फुल सेशन में मेरे 100% अटेंडेंस थी बस। क्यों इतना घर में तंग है मतलब? नहीं मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर? जी करती हूँ, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ। तो जब आप पढ़ती थी या उर्दू पढ़ती थी तो कोई दकीका आपसे फरोगजाश्त भी हुआ? क्या मतलब? इतनी मुश्किल उर्दू तो मतलब ना बोले। हाँ आप सर अल्फाज ने बोला था कि मैं फिर आपको जवाब दूँ। आपने क्या बनना है? मैंने IG पुलिस बनना है। IG डायरेक्ट? आपने बनना क्या है ये बताएं जल्दी जल्दी। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने की ख्वाहिश है और उसकी ये वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये भी बराह रास्त IG बनना चाहती है। हर दौर का अपना वक्त होता है ना। हर दौर का एक वक्त होता है, क्या जबरदस्त जुमला बोला है आपने, मैं पहली दफ़ा सुना है हर दौर का एक वक्त होता है। अच्छा ये बताइए वज़ीर आज़म का क्या नाम है हमारे शहबाज शरीफ। और सदर? आरिफ अली। और ये जो आपके हाथ में ट्रॉफी है आपका कारनामा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ जिना कॉलेज फॉर वीमेन में और इधर 39वां एनुअल डे मनाया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। बड़ी होनहार तालिबात हैं जिनका मुझे लगता है कि मुस्तकबिल माशाल्लाह बड़ा शानदार है, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं जी, अपना तारुफ कराइए और ये बताइए कि ये जो आपके हाथ में सर्टिफिकेट है ये किस चीज़ का है, क्या कारनामा अंजाम दिया आपने? जी मेरा नाम मरिया मोहसिन है और मैं FSC 1 की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट है और मतलब फुल सेशन में मेरे 100% अटेंडेंस थी बस। क्यों इतना घर में तंग है मतलब? नहीं मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा फिर तो हॉस्टल में पढ़ाई सही होती है कि घर में? हॉस्टल में अच्छी होती है। जी माहौल अच्छा है आपके हॉस्टल का? बहुत अच्छा है। और यहाँ के टीचर्स, यहाँ का निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं सब गर्ल्स को रिकमेंड करूँगी कि वो JCW ज़रूर आए। हाँ और मेहनत करो यहाँ पर आए। बड़े होके क्या बनना है? ऑफकोर्स डॉक्टर, प्री मेडिकल ही है। हाँ जी डॉक्टर बनने का इरादा है। तो ये जो सारी स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाएंगी तो बाकी क्या करेंगी? नहीं सब डॉक्टर नहीं बनती, ज़्यादातर और फील्ड्स में भी चली जाती है। जी तो डॉक्टर वही बनता है जो ज़्यादा मेहनत करता है। हाँ जी मेहनत शर्त है। अपना तारुफ और ये जो आपके हाथ में ट्रॉफी है आपका कारनामा क्या है? मेरा नाम ज़ैनब हफीज़ है और मैं FSC 1 की तालिबा हूँ और मैंने सारे FSC सेक्शन में 3rd पोजीशन स्कोर की है हमारे होम एग्ज़ाम्स में। एंड मैं बड़ी थैंकफुल हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के कि उन्होंने हमारे लिए इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ये हम बहुत इंकरेज करते हैं कि हम आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पोजीशन लें। और आपने क्या बनना है? मैंने भी डॉक्टर ही बनना है जो हर उसका सब ने डॉक्टर बनना है माशाल्लाह। जी आपका तारुफ? जी मेरा नाम फातिमा अलमीन है और मैंने FSC 2 में 1st पोजीशन हासिल की ओवरऑल। एंड ये बस मेहनत का सिला है और हमारी टीचर्स भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और हमारी प्रिंसिपल साहिबा वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है हमारे साथ, हमारे इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ सारी जो भी हैं उन सब में हमारी बहुत यानी रहनुमाई करती हैं। और बस कितना पढ़ती थी रोज़ाना? ये तो घंटों पर डिपेंड नहीं करता, आप 6 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप 2 घंटे भी फोकस के साथ नहीं पढ़ते तो फिर क्या फ़ायदा? कंसिस्टेंसी की है, आप ऐसा ना करें कि बस दिन में जो है फिर आप यानी कि आप दिन में जो है 14-14 घंटे पढ़े और फिर अगले दिन आप में वो एनर्जी ना हो। तो अच्छा ये है कि बस आप दिन में 8 घंटे पढ़े, अगले दिन 8 घंटे पढ़े, अपने आप को थकाए ना। तो बस ये की है कि कंसिस्टेंसी इज़ लाइक एवरीथिंग। तो घर में पढ़ती हैं हॉस्टल वगैरह? मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ लेकिन मैं जो है घर में सही से पढ़ सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो हॉस्टल में पढ़ लेते हैं, कुछ घर में सही पढ़ लेते हैं। हॉस्टल में मैं जो है थोड़े से शोर से डिस्टर्ब होती हूँ कभी कभार और तो फिर मैं घर चली जाती हूँ। अब तो हमारी प्रेप्स है तो मैं घर में ही। मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल भी करती? जी करती हूँ, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल खोलती हूँ, व्हाट्सएप जो भी हो। तो दुनिया से बाखबर तो रहना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि बस कोई कमरे में बंद हो जाए और ये तो नहीं चलता। और आपने क्या बनना है? जी मैंने बड़े होकर सर्जन बनना है, वही सिलसिला है ना सारा। जी आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान इकबाल है और मेरा तारुफ जो है मलकंड से है और मैं मलकंड से इधर आई हूँ। जिना कॉलेज की बहुत तारीफ सुनी थी लेकिन वाकई में बड़े इदारों का सिर्फ नाम बड़ा नहीं होता, वाकई कुछ कोई बात होती है इसलिए जो है ना उनका नाम बड़ा होता है। और मैंने जो है ना ओवरऑल भी मेरे मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उर्दू जो कंपलसरी सब्जेक्ट है FSC 2 सेकेंड ईयर में मैंने टॉप किया है उर्दू में। जी उर्दू में, और उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हमारी जो प्रिंसिपल है मैम तज़ीन वो खुद उर्दू की प्रोफेसर है, तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने हमें पढ़ाया लेकिन अब सेकेंड ईयर मैम सरवत ने हमें पढ़ाया और दोनों
वह इंतहा दर्जे की काबिल टीचर्स हैं, और उन्हीं की वजह से ना मतलब बहुत सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स मतलब इंग्लिश उर्दू इन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन उनकी वजह से जो है हमें बहुत हौसला मिला और इनक्रेजमेंट मिली, और हमारा भी शौक मतलब दूसरे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे तो उनकी तरफ भी हमारा जो है ना शौक बढ़ा। और जब आप पढ़ती थी या उर्दू पढ़ती थी तो कोई दकीका आपसे फरोगजाश्त भी हुआ? क्या मतलब इतनी मुश्किल उर्दू तो मतलब ना बोले। हाँ, आप सारा अल्फाज ने बोले ताकि मैं फिर आपको जवाब दूँ। बस स्टूडेंट्स होते हैं ना कि उनसे दकीके जो है वो फरोगजाश्त हो जाते हैं। क्या मतलब, मुझे अभी भी आपकी सवाल की समझ नहीं आई। मतलब उनके उनका जो वक्त है ना वो ज़ाया हो जाते, तो आपका भी कोई वक्त ज़ाया होता है जैसे मोबाइल का इस्तेमाल हो गया या मतलब कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बंदा हिस्सा लेता है? नहीं, अगर मुझसे अगर पूछा जाए ना कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो मेरा उर्दू जो है ना, मुझे इकबालियात और ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मुझे नहीं ख्याल कि अगर मैं उर्दू के लिए पढ़ूँ तो मैं ये समझूँ कि मेरे उर्दू का जो है मतलब वो मेरा वक्त का ज़िया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब और मैं सबको भी यही कहना चाहूँगी कि जो मार्क्स अच्छे जो है बनाए जा सकते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बनाए जो है आसानी से बन सकते हैं। तो जिस तरह हर कोई जो है जो साइंस सब्जेक्ट्स पर तवज्जो देता है, तो अगर इसके साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स है उस पर भी तवज्जो दी जाए तो FSC के मार्क्स जो है बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं। तो मतलब इन पर भी तवज्जो। आपने क्या बनना है? मैंने IG पुलिस बनना है। IG डायरेक्ट? मतलब मुझे आर्मी और ये पसंद है। वैसे तो मैंने प्री मेडिकल लिया है, लेकिन अगर मेरी जो सबसे जो मुझे पसंद है, मुझे आर्मी पसंद है और IG पुलिस, क्योंकि मैं मतलब IG कोई खातून बनी है आज तक वैसे? तो मतलब किसी ने बारिश का पहला खतरा तो बनना है ना, जर्नल निगार भी एक थी, तो हो सकता है कि मुस्कान इकबाल भी फ्यूचर में पहली जो है IG पुलिस हो। वो पहला खतरा मतलब डायरेक्ट IG कांस्टेबल या मतलब SHO DSP SP वगैरह वगैरह? जी मतलब ये तो सब स्टेप से होके जो है ना इंसान बनता है, लेकिन मतलब मेरा जो गोल है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हमें जो है बॉक्स के बाहर भी सोचना चाहिए, अगर सब डॉक्टर्स बन जाए तो डॉक्टर्स वाकई में बहुत अच्छा शोबा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे शोबे में भी जो है लड़कियों को जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अगर आप सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम का खुद हिस्सा बनना चाहिए, और औरतों को जो ये तानों वगैरह में या इन जगहों पर बहुत मुश्किल पेश आती है, तो अगर कोई खातून किसी पोस्ट पर हो तो जो दूसरे खवातीन आएंगे तो उनको बात करने में आसानी होगी। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन जो मेरा अपना गोल है तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन जो है चूज़ कर लूँ कि जो मेरे साथ साथ जो है ना जो हमारे इलाके की औरतें हैं या जो एक आम खातून है तो आम आदमी को उससे जो है ना फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि तालीम का मकसद भी यही है कि अगर आप उसको नौकरी के लिए करेंगे तो आपको ये नौकर ही बनाएगी, लेकिन अगर आप इसको शौक के जरिए करेंगे और आप चाहते हैं कि आप रहनुमा बने दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा करें, तो यही जो है ना आपको माशरे में जो है बेहतर मकाम भी दिला सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलती आप जी। चलें, आप अल्लाह करे आप IG बन जाएं, और जब आप बीमार पड़ जाएं तो ये आपकी जो दोस्त हैं सहेलियां हैं तो ये आपका इलाज करें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सजाद है और मैं FSC साल 2 की तलबा हूँ, और आज मैंने मुताले पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की है। और आपने बनना क्या है ये बताएं जल्दी जल्दी। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने की ख्वाहिश है, और उसके लिए वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये भी बराह रास्त IG बनना चाहती है। तो पहले तो वकील बनना है ना, तो वो तो आहिस्ता जाहिर बात है गोल बड़ा होना चाहिए, वकील भी बनेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, लेकिन ये कि जो मेन गोल है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक है का सफ़र है। कुछ पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल क्या हो रहा है? रात के 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन अब हर दौर का अपना वक्त होता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुल्क में इंसाफ को बहाल करना है तो उसके लिए इन शोबों की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन इंसाफ आप तक होता है कि आप में ये होना चाहिए कि लाइक हर दौर का एक वक्त होता है। क्या ज़बरदस्त जुमला बोला है आपने, मैं पहली दफ़ा सुना है हर दौर का एक वक्त होता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आम लोगों के मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, केसेस नहीं लग रहे हैं, पेशियाँ नहीं हो रही, तो कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ इस्लाहात भी जहन में है कि मैं अगर मतलब जुडिशरी में जाऊँगी तो फिर इस तरह की इस्लाहात भी जहन में आपकी होनी चाहिए।
अच्छा, जब मैं अगर जुडिशरी में गई तो सबसे पहले तो जो आइन पाकिस्तान है उस पर पूरे अमल करने की कोशिश करूँगी। मैं आइन कोई एक भी आइन को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। उसके लिए ज़ाहरी बात बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन सबका सामना करूँगी और इंसाफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया जी, आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है, मैं नौशहरा से हूँ और मैं जिना कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बड़े होकर आर्मी में जाना है, आर्मी डॉक्टर बनना है। लेकिन आर्मी में जाना है। मैं जिना कॉलेज आई हूँ, ये एक बहुत अच्छा इदारा है, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से मुझे उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो मतलब बहुत मेहनत करवाते हैं और इस वजह से मेरी अटेंडेंस भी फुल है और आज इसमें मुझे प्राइस मिला है। और जिना कॉलेज, आप कभी घर में दिल नहीं लगता कि हॉस्टल में पढ़ती हैं आप? नहीं, घर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि मेरे सारे मतलब माहौल वहाँ पढ़ने का है, सारे बहन भाई पढ़ते हैं। टीवी वगैरह, ड्रामे वगैरह, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हमारे घर में, टीवी का बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैट्रिक के बाद वो बंद हो गया है और अगर कोई न्यूज़ हो या कोई वो मेरे पेरेंट्स मोबाइल से देख लेते हैं और हम कोई टीवी वाला माहौल नहीं। तो मुल्क की हालात से तो आगाही थोड़ी बहुत होती होगी ना? वज़ीर आज़म का क्या नाम है हमारे? हमारे शहबाज शरीफ। और सदर? आरिफ अली। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हमारे जिना कॉलेज फॉर वीमेन के स्टूडेंट्स थी, इनकी बातें आपने सुनी, इनके ख्यालात और इनके अज़ाइम आपने सुने। उम्मीद है कि जिस तरह मैंने दुआ दी है इसी तरह आप भी इनके लिए दुआ गो होंगे कि ये हमारा जो आज की जो नस्ल है, हमारा जो मुस्तकबिल है, ये आगे बढ़े, ये माशरे में रोशनी फैलाएँ और माशरे में ऐसे इकदाम करें और वहाँ वहाँ पर अपना किरदार अदा करें कि जहाँ पर आज हम देखते हैं कि बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया।